तो वहीं लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज शाम को रमाबाई मैदान के पास ट्रैफिक बदला रहेगा, यह अहम जानकारी सामने आ रही है। ईवीएम को पोलिंग बूथों से रमाबाई मैदान में आज जमा किया जाएगा। बता दें कि कल 20 मई को पांचवें चरण का मतदान होना है और सोमवार शाम से मध्यरात्रि तक वाहनों का डायवर्जन भी रहेगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ के चार स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। यह अहम जानकारी इस वक्त की आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। उत्रेटिया शहीद पथ अंडरपास चौराहा से रूट डायवर्ट रहने वाला है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप देख रहे हैं। रमाबाई अंबेडकर मैदान रैली स्थल की तरफ को रूट को डायवर्ट किया जाएगा। ये बड़ी खबर चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। अंबेडकर अंडरपास से रमाबाई की तरफ रूट को डायवर्ट किया गया है। बता दें कि 20 मई को पांचवें चरण का मतदान है, जिसको लेकर रमाबाई पुलिस चौकी रैली स्थल तिराहे से रैन बसेरा तिराहा तक रूट को डायवर्ट किया जाएगा। बिजनौर शहीद पथ अंडरपास सर्विस रोड होकर नहीं जा सकेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिजनौर शहीद पथ अंडरपास चौराहे के पास रूट को डायवर्ट किया गया है। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज शाम को रमाबाई मैदान के पास पूरा ट्रैफिक बदला रहेगा। बता दें कि 20 मई को लखनऊ में पांचवें चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईवीएम को पोलिंग बूथों से रमाबाई मैदान में जमा किया जाएगा, जिसको लेकर ये रूट भी डायवर्ट किए गए हैं। सोमवार शाम से मध्य रात्रि तक वाहनों का डायवर्जन रहेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, जहां लखनऊ के चार स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन को भी लागू किया जाएगा।